नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 18वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला गया। पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पंजाब ने केएल राहुल के शानदार अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 178 रन बनाए। चेन्नई को जीत के लिए 179 रन बनाए थे। शेन वॉटसन और फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी ने 17.4 ओवर में बिना कोई विकेट गवाई लक्ष्य हासिल कर लिया और चेन्नई ये मुकाबला 10 विकेटों से जीतने में कामयाब रही। आपको बता दें, लक्ष्य का पीछा करने उतरी शेन वॉटसन और फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। दोनों ने पावर प्ले में ही 60 रन जोड़ दिए थे। इसके बाद दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। एक बार 100 रनों की साझेदारी हो जाने के बाद दोनों जैसे रुके ही नहीं, दोनों ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। वॉटसन ने जहां 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, वहीं फाफ डु प्लेसिस ने 33 गेंदों पर 7 चौकों के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया था। पंजाब के गेंदबाज पूरी तरीके से लाचार नजर आए दोनों की बल्लेबाजी के सामने। आपको बता दें, शेन वॉटसन 53 गेंदों पर 83 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं फाफ डु प्लेसिस 53 गेंदों पर 87 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने इस दौरान 11-11 चौके लगाए, लेकिन शेन वॉटसन ने 3 छक्के लगाए, वहीं फाफ डु प्लेसिस ने भी 1 छक्का लगाया। आपको बता दें, पंजाब ने भी बल्लेबाजी की शुरुआत ठीक ठाक की थी, लेकिन मध्यक्रम एक बार फिर टीम का लड़खड़ाया। हालांकि केएल राहुल ने एक शानदार अर्धशतक जड़ा, लेकिन टीम 20 ओवर में 178 ही बना पाई, जो चेन्नई के सामने नाकाफी साबित हुई। चेन्नई की टीम अब पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर आ गई है। टीम अब छठे स्थान पर पहुंच गई है। आपको बता दें, शेन वॉटसन की उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।